मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां रीवा के व्यापारी सुधीर कुमार सोनी पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सोनी ने ग्राम कैमार में एक जमीन खरीदी, जिसमें व्यापारी राजेंद्र सिंह पटेल अपने दबंगी पूर्व उस जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ व्यापारी सुधीर ने सोनी ने थाने में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही व्यापारी सुधीर सोनी द्वारा न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश भी ले लिया है, लेकिन सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे व्यापारी काफी डरा हुआ है। व्यापारी ने जमीन में आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल ने अपना ढाबा बना लिया है। वही व्यापारी ने वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब हम आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल को घर बनाने में रोकते हैं तो वह मारपीट व गाली गलौज करता है, वह जान से मारने की धमकी तक देता है। जमीन का क्या मामला है आप लोगों का? आदमी जमीन का क्या मामला है? ये हम लोगों की भागीदारी में सुधीर सोनी, दिलीप सोनी और मैं सुरेश हिरवानी, हम लोगों की आपस में सहभागिता में एक डिसमिल की जमीन है केमार, ग्राम केमार में बेला तहसील का, जिस पर राजेंद्र सिंह पटेल हैं कोई। उन्होंने पूर्व में तो हल्का फुल्का ऐसे पन्नी वगैरह छाके और ढाबा चलाता था, धीरे धीरे उसमें पिलर खोड़ के और ढाबा कुछ दिन चलाया। उसका हम लोगों ने आवेदन भी किया तो उस समय तहसील हमारे पाटन में लगती थी, कई बार हम लोग गए वहाँ पे, केस चल रहा था। उस बीच में हम लोगों को तत्कालीन तहसीलदार जो थे SDM तहसीलदार अरुण यादव जी ने उन्होंने स्थगन का आदेश दे दिया गिराने का। ये 22/3/2022 का स्थगन आदेश था, जिस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई 2-3 महीने के बाद, और अतिक्रमणकर्ता ने स्टे ले लिया उस आदेश के आधार पर। उस आदेश के आधार पर स्टेशन लेने के बाद हम लोग कई बार गए तहसील में, तो हम लोगों की फाइल ही बाबू द्वारा गायब करवा दी गई। जब भी जाने पर ये जवाब दिया जा रहा था कि आपकी फाइल नहीं मिल रही है। आज साल डेढ़ साल तक भटकने के बाद अभी 1-1.5 माह पूर्व हम लोग को पता चला कि उसी जो कच्चा पक्का बनाए हुए थे आए उसी में छत ढलवा रहे हैं। तो छत ढलवाने के बाद उसके लिए हम लोग गए तहसील में, वहाँ से हम लोगों ने SDM से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद उस पर रोक भी लगवा दी गई, थाना प्रभारी द्वारा उनको बुला के मना किया गया। उसके बाद अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वयं ने आदेश लिया था स्थगन का, उसका उल्लंघन करते हुए उसी भी मतलब जमीन पे छत ढलवा लिया। कोर्ट ऑफ कंडम का केस उन्होंने ऑलरेडी किया। उसके बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि अब छत नहीं ढलेगी। हम लोग उसके बाद भी कई बार जाते रहे लेकिन फाइल नहीं मिली। और इस बीच में अतिक्रमणकर्ता ने किसी दिन रातों रात बिना हम लोगों को जानकारी हुए छत ढल गई। वहाँ जाते हैं तो धमकी देते हैं, धमकी देती आती है। हम लोग व्यापारी आदमी बताइए, अपना काम धाम छोड़ के कितनों बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बाबू द्वारा कहा जाता है कि हर काम के लिए पैसा दिया जाता है, पैसा भी दिया गया। CM हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई, वहाँ भी कोई चीज़ सुनवाई नहीं है। तो ये ऐसा तो बहुत सारा तो कहीं नहीं चलना चाहिए। सीधा रामराज किस तरह का रामराज इसको कहा जाता है? रामराज की बात नहीं है सर, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखिए आप SDM के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और दो बार SDM ने आदेश दिया 1 हफ्ते के अंतराल में। तो क्या प्रशासन और SDM की मतलब मिली भगत से ये काम हो रहा? क्या ये राम राज्य चल रहा है कि रावण राज्य चल रहा? व्यापारी जाए तो जाए कहां? अब तो हम लोगों का एक उद्देश्य हो चुका है कि हम लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ भी मतलब फरियाद लगाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। उसका दरवाजा कोर्ट के लिए खुला है हमारे लिए, मगर क्या आज व्यापारी इसलिए मर रहा है? क्या व्यापारी सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या व्यापारी का एक नाजायज तरीके से दबा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, क्या यही बचा है? शासन और प्रशासन मौन बन के ये कार्य कर रहे हैं। यह तो देखिए आप खुद भी देखिए SDM के दो बार के आदेश हैं। कौन है इसकी जो जवाबदार है कि जो कोर्ट के कंडक्ट का धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या शासन नहीं है? क्या कोर्ट के नियम नहीं है? क्या कानून नहीं है? क्या प्रशासन एकदम मौन होकर बैठ गया?